आपको बैकग्राउंड देखे तो समझ में आ ही गया रहेगा कि मैं हूँ कहाँ पर। यहाँ पर है सुफियान भाई और निदा और आरती मिसबा के घर पर है, क्योंकि सुफियान भाई कुछ करने जा रहे हैं यहाँ पर। मैं बताऊंगा नहीं गाइस, आप लोग मेरे व्लॉग में देख लेना, प्रमोशन हम लोग हर रोज करते गाइस। सो मैं ऊपर आके इसके लिए स्टार्ट किया क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आज आरती को कुछ दूसरे नामों से बुलाऊ, चिढ़ाऊ और बुलाऊ, और ऐसा बोलूँ कि ये सब मेरी पहले बेस्ट फ्रेंड्स रह चुकी है। ऐसा क्या बोलते, खतरनाक भाई, एकदम चिढ़ जाएगी, बहुत मजा आएगी। और वैसे भी एक कोई लड़की को दूसरी लड़की के नाम से बोले, लड़कियां वैसी भड़क जाती है, चाहे वो तुम्हारी दोस्त हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई भी हो, दूसरे नाम से बोला भड़क ही जाती है। क्या क्या नाम सोचे हो तुमने बोलने के लिए? अभी सोचा तो हूँ नहीं, बट जो जो मुंह पर आया वो कर लेंगे। मैं क्या क्या बोलना सोच रहा हूँ कि गाइस मैं बता देता हूँ, फिर आप लोग वीडियो में देखो, क्योंकि फिर आप लोग एंड तक का देखोगे नहीं, समझ रहे हो गाइस? पहले क्लियर कर देता हूँ, नॉर्मल वॉटर क्लियर है हमारे लिए, नॉर्मल वॉटर क्लियर है। सो गाइज मैं नीचे जाता हूँ, अभी नीचे जाने के बाद मैं स्टार्ट करता हूँ, और स्टार्ट करने के बाद जैसे ही सुफियान भाई का यहाँ पर सब कुछ हो जाएगा अरेंजमेंट, फिर हम लोग यहाँ पर आते हैं। सो गाइज मैं निकल चुका हूँ सुफियान भाई के घर से नीचे जाने के लिए। इतना बड़ा सफर मैं तय कर रहा हूँ, मतलब जहाँ वो सुफियान भाई रहते हैं और जहाँ मिसबा रहते हैं वो थोड़ा ऊपर और नीचे। ये स्टंट मैं करने जा रहा हूँ मेरी जिम्मेदारी पे, जो मैं करने जा रहा हूँ आज वो आप लोग मत करना गाइज, क्योंकि इसमें खतरा है और ये खतरा मैं मोलने जा रहा हूँ। ऐसा बोलते हैं ना, खतरा मोल लिया, वैसा मैं मोलने जा रहा हूँ। सो मिलते हैं नीचे ही और देखता हूँ क्या रिएक्शन रहेगा उसका। सबसे पहले कैसे इरिटेट कर सकते हैं दूसरे नामों से बुलाकर। सो मिलते हैं। तो गाइस मैं आ चुका हूँ मिसबा के घर पे, और मिसबा के घर पे यहाँ पर निदा और आरती कुछ काम कर रहे हैं। तो मैं ये बोलने जा रहा था, क्या कर रहे हो तुम? बाल बना रहे हो? और तुम क्या कर रहे हो निदा? बैठी हूँ, बात कर रही थी। अरे रेखा जरा पानी ला के देना ना प्लीज। रेखा? हाँ। पागल हो गया क्या दिमाग से? तुम्हारा नाम रेखा तो था, पानी ला के दो ना रेखा। कौन है रेखा? क्या? अरे तुम पानी लाने का काम करो ना रेखा। सो अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, पानी पीता हूँ। तो ज्यादा इतराना नहीं, मेरा नाम आरती है, मैं हूँ आरती। तुम ला कर दो पानी रेखा, मैं बैठता हूँ यहाँ पर, और फिर बैठने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ, काम करने के बाद आपसे मिलते हैं गाइस। सो गाइस जैसे कि आप लोग ने देखा कि आरती हो गई है थोड़ा बहुत इरिटेट, लाइक मतलब उसको नहीं पसंद है कि मैं क्या कोई भी उसका नाम गलत बोले हुए। सो गाइस अभी मैं नीचे जा रहा हूँ कैंपस में, कुछ लेने जा रहा हूँ पीने के लिए, थोड़ा डिहाइड्रेशन हो गया था। तो मिलते हैं आपको डायरेक्टली फिर से मिसबा के घर पे। मैं नीचे से ऊपर आ चुका हूँ, और आने के बाद अभी तक ने रेखा ने मुझे पानी नहीं दी। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? क्या है रेखा 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 लगा के रखे हो यार अरसु? निदा ने एकदम अचानक में कॉलेजेस की बातें चालू करी कि आजकल की कॉलेजेस कैसी हो गई है, क्या हो गया, मजा ही नहीं है। पहले तो बहुत मजा आता था, अरे बहुत मजा आती थी। अरे पहले क्या करते थे मालूम है? मैं और आरती पहले ना हम लोग लेक्चर बैठे थे, लेक्चर बैठने के बाद कैंटीन में बैठे थे, कैंटीन में बैठने के बाद फिर डिसाइड करते थे कि आज लेक्चर जाने वाले कि नहीं जाने वाले। तो अरसु बोलता था जाएंगे तो जाते थे, फिर मैं बोलती थी नहीं यार आज नहीं जाने का, तो फिर हाँ हम लोग पूरा दिन कैंटीन में बैठे रहते थे और हम लोग इतनी मस्ती करते थे, है ना शिफा, मतलब आरती। शिफा दिख रही हूँ मैं तुमको? अरे तुम, मैं क्या बोल रहा था, फिर वो वाला लेक्चर बताओ जिसमें हम लोग मतलब बैठे थे और फिर उसके बाद एकदम अचानक में मतलब एकदम आवाज आने लगी थी। हाँ ब्रो, हम लोग है ना ऐसे बैठे एकदम अचानक में बैठे थे तो फिर तब भी अचानक ना एकदम जोर से आवाज आई और मेरी फट गई। मैं बोली भाई कुछ मसला तो नहीं हो गया नीचे? फिर हम लोग सब निकल के देख रहे थे बाहर क्लासरूम के, लेकिन तब भी कुछ था नहीं। इतनी मस्ती करते थे हम लोग, असाइनमेंट भी वैसे बनाते थे, मतलब कि समझो ना कल है और आज ड्यू डेट है, तो हम लोग ऐसा बनाते हैं। हाँ शिवा, मतलब आरती। ओ फिर शिवा बोल रहा है अरे वो आज स्लीप हो रही है, आज स्लीप हो रही है जबान भाई, स्लीप हो रही है तुम्हारी जबान को काट दूँ क्या? कैची इधर ही है। फाइट, फाइट, अरे स्कूल की याद आ गई मालूम, पहले ना हम लोग जब स्कूल में ऐसा रहते थे ना, सुनो ना मतलब आरती। अरे अरसु यार मत कर प्लीज, मुझे को चिढ़ा रही प्लीज प्लीज। तुम जान बुझ के क्यों कर रहे हो? मैं जान बुझ के नहीं कर रहा हूँ, स्लीप हो रही है आज मेरी जबान तो ना। अरे मैं लड्डू खाए ना, मेरे को भी सुना रहे तो स्लीप हो रही है। तुम हम लोग है ना स्कूल में रहते थे ना, तो किसी का भी झगड़ा वगड़ा कुछ होता था ना, तो फिर है ना सब लोग पीछे से ना चिल्लाते थे हो गई हो गई हो गई मारो, वैसा 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 मैं तुम बोल रही हूँ। हाँ अरे अनम पानी ला के दो ना, अरे मतलब आरती पानी ला के दो ना मेरे को। इसको बोलो बहुत इतरा रहा है, इतरा रहा क्या है? कौन है ये अनम? शिफा
ये सब मेरी पहले बेस्ट फ्रेंड्स रह चुकी है। तुमको ऐसा बेस्ट फ्रेंड को तुम तोड़ रहे हो, बेस्ट फ्रेंड को पुरानी बेस्ट फ्रेंड्स को याद नहीं करने का। अरे नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, इसने देखो अभी मतलब कंपेयर कर रही है मेरे को लुक के नाम से बुला रहा है। मैं तुम्हारी जगह पे होती ना कसम से सामने वाले को चुल्लू भर ये मेरे को ना अभी चीड़ दिला रहा है। इसको मालूम नहीं है चीड़ इसको बहुत भारी पड़ेगी। मैं चीड़ दिला रहा हूँ इसको 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो चीड़। निधा तुम कौन से एज में खाना बनाना सीखे थे? भाई मेरे को मालूम भी नहीं है कौन सी एज थी वो मेरी। मतलब तुमको इतना याद था, तुमने सबसे पहली डिश कौन सी बनाए थे? भिंडी। भिंडी बनाए थे? मुझे याद है। तुम बनाए हो कभी खाना शिफा मतलब आरती? अब ये ज्यादा हो रहा है। क्यों कर रहे हो ऐसा? मतलब अरे मैं मुंह से निकल जा रहा है बाबा, वो मैं काट दूंगा तुम्हारा सब कुछ। नाम मैं आरती, I'm sorry। काटने की बात है ही नहीं, तुम जान मुझ से कर रहे हो। मैं जान मुझ से क्यों करूँ? साफ दिख रहा है। अरे साफ क्या दिख रहा है? मेरे को इरिटेट हो रहा है। मत करो यार, मत तुम मेरा नाम ही मत लो। मेरा नाम मत लो ताकि तुम किसी और का नाम नहीं ले सको। मेरे को वो मत करो फालतू का मेरा नाम। ठीक है प्लीज भाई, यहाँ से मोती चूर का लड्डू का डब्बा हटाओ। मैं खा खा के मोटी नहीं होना चाहती हूँ। छोटा भीम भीम। आरती जो दिखती है वो मेरे ख्याल से चुटकी है इंदुमती, और इससे कोई पतला है? नहीं नहीं, चुटकी चुटकी आरती। जग्गू तो नहीं? मैं बात नहीं कर रहा। तुम कौन सी पहली डिश वो कर रहे हो बनाओ ये तो बताओ। अरे अरे गलती, मैं जितना भी तुम्हारा नाम गलत लिया हो ना, तुम्हारा नाम मैं एडिटिंग में कट कर दूंगा। फर्क नहीं पड़ता तुम एडिटिंग में कट करो, लेकिन तुम बोल क्यों रहे हो मेरे को? मेरा नाम आरती है। से निकल जा रहा है बाबा, आती है काय के लिए? अरे गलती इंसान से होती है, मैं इंसान नहीं हूँ। एक बार होगी क्या? 10 बार कर रहे हो सेम गलती तुम तो। इंसान गलतियों का पुतला है। जाओ खड़े हो जाओ बाहर जाके, फिर पुतले पैर नीचे भी एक नाक खराब कर दिया कब से। शिफा अनम क्या 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 बोल रहा है अलग अलग नामों से। बेचारी कुछ बोल नहीं, उसका फायदा उठाए जा रहे नाजायज। अरे निदा तुमको तो मालूम ही है ना। तुम जाओ भाई। अरे सही बोल रहा हूँ सच में। और फिर भिंडी के बाद क्या बनाया तुमने? भिंडी बाबा भिंडी। भिंडी के बाद मैंने बनाई रोटी और फिर शोरमा। ये सब मेरे फर्स्ट आइटम्स थे। ओ तुम मतमार से रोटी गोल हो जाती थी? नहीं ना भाई। तो सुफियान भाई तुमने कैसे मतलब? मैं और सुफियान, मतलब सुफियान और मेरा दिमाग बहुत अच्छा है माशाल्लाह। माशाल्लाह अच्छी बात है। तो हम लोग क्या करते थे कि मैं टेढ़ी मेढ़ी बनाती थी, फिर वो गोल से ऐसा। तुम भी ऐसा ही बनाओ शिफा मतलब आरती। और अरे वो वाला वो तो सुनो ना, अरे मेरी बात तो सुनो। अरे तुमको मालूम है निदा एक बार क्या हुआ था? आरती नहीं मालूम। आरती जो है मतलब वो ना एग्जाम में पढ़ रही थी, ठीक है, और मैं आया था और फिर एग्जाम के टाइम पे ही पढ़ती थी ये, और मैं साइड में स्कॉलर जैसा बैठा रहता था एग्जाम के लिए मतलब पढ़ता रहता था। और फिर पढ़ने के बाद आरती और मेरी वैसे ही बातचीत चालू हुई थी। ये आरती आई थी मेरे पास और आरती बोली थी कि एक क्वेश्चन आंसर समझा दो। समझाने के बाद मैंने शिवा को समझा मतलब आरती को समझा दिया। फिर इसी बात पे एक और मोती चूर का लड्डू खाऊंगी। इस बात पे तो मैं भी खाना चाहता हूँ। आरती तुम एक काम करो। ब्रो मैं अकेले जाऊंगी घर पे आज, इसके साथ नहीं जाऊंगी मैं। अरे ऐसा क्या? अरे गलती हो जा रही है मेरे से यार। उसको भी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। प्रोवोक कर रहे हो? काय के लिए प्रोवोक कर रहे हो? कुछ भी उसको पता है मेरे को ऐसा पसंद नहीं किसी और के नाम से बुलाना, इसके लिए वो जानबूझ के। क्यों प्रोवोक करूंगा? तुम पागल हो गए हो क्या? प्रोवोक करूंगा तुमको? मैं आया हूँ अंदर। अंदर आने के बाद मैं आप लोगों को एक और एक बात बता देता हूँ, और वो बात ये है आरती वो एक नाम से बहुत चिढ़ती है। उसकी पीछे की स्टोरी वो आज तक मुझे भी नहीं बताई, लेकिन को वो नाम से चिल्लाने वाला हूँ मतलब बुलाने वाला हूँ। बुलाने के बाद मैं फिर आप लोगों को बताता हूँ क्या रिएक्शन रहेगा उसका। वो एकदम एक्सट्रीम चिढ़ जाती है वो नाम, अगर वो कहीं पे भी सुनती है तो, इसलिए। अरे निदा पानी पियोगे क्या? अरे है पानी इधर। तुमसे पूछा क्या सनम? क्या बोला मैंने? क्या कौन सा वर्ड? ये क्या तुमने अभी बोला? मैं मुंह से भी नहीं बोलूंगी। अरे जबरदस्ती अब तुम ओवर कर रहे हो बहुत। अरे कुछ भी, रुको रुको मार और बात कर रहा हूँ। मेरे को नहीं पसंद है ये नाम जरा भी। कुछ भी बोल दो, ब्लॉग बंद करो। अरे मैं तो ऐसे ही क्यों बोले लेकिन तुम? अरे बस करो सर, मतलब अभी। अरे मत बोलो मेरे को, तुमको पता है मेरे को बहुत इरिटेट होता है। मत करो यार। अरे मैं एडिट कर लूंगा, तुम काय के लिए रिएक्ट कर रहे हो? तुम्हारे मुंह से ये नाम निकला कैसे? मत करो यार अरसू यार, मैं नहीं बात करूंगी आज के बाद तुमसे यार।
अकेले जाना तुम घर पे, मैं अपना अकेले जाऊंगी, मेरे को नहीं आने का तुम्हारे मुंह से। अरे कैसा ही है वो? अरे नहीं, क्या बोला मैंने? नहीं बात करने का। अरे मेरे से बात करो, कुछ भी मेरे से बात नहीं, कुछ भी। अरे इतने तुमको मालूम है बोले चीजें, मैं ट्रिगर पॉइंट है, मत बात करो, मेरे को वो वर्ड पसंद नहीं। अरे अच्छा तो ठीक है, मैं व्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम काहे के लिए इतना रिएक्ट कर रहे हो? सनम तेरी कसम। अरे हाँ मैं मस्ती कर रहा हूँ। अरे ठीक है भाई, मैं मस्ती कर रहा हूँ। हाँ हेलो हेलो हेलो, आई एम अंडर द वॉटर। आई एम अंडर द वॉटर। अरे छोटा भी मेरे को बोल के एक और एक लड्डू खा गया। आई एम अंडर द वॉटर। आई एम अंडर द वॉटर आरती। आई एम अंडर द वॉटर। अरे हाँ ना मस्ती कर रहा हूँ बाबा, मस्ती कर रहा था गाइस, ऐसा कुछ नहीं है आरती। तुमको मालूम है ना मेरे को वो नाम पसंद। कौन सा नाम? जो तुमने बोले अभी। क्या नाम बोला मैंने? मैं बोलना नहीं चाहती अपने मुँह से। मत बोलो मत बोलो, ठीक है। वो गाने का नाम सुनूंगा, सनम तेरी कसम। वो तो इरिटेट कर रहे थे। हाँ अरे इरिटेट नहीं, नहीं फर्क पड़ रहा है। अच्छा तुमको लोग प्रोवोक करेंगे तो तुम प्रोवोक हो। हाँ प्रोवोक हो गए। मैं तुमको और होता तो ठीक है ब्रो, इसको मालूम है ना ये चीज, जब ये वो घाव गहरे होते हैं ना तब वो तकलीफ भी उतनी होती है। तो मेरा बहुत बड़ा चीज है इसके ऊपर, इसलिए मैं इतना रिएक्ट कर रही हूँ। और तुमको वो चीज मालूम नहीं है तो ठीक है, तुम्हारी गलती नहीं है उसमें, तुमको आधी चीज पता है। लेकिन ये वर्ड से मुझे नफरत है, तो अगली बार मत बोलना। कोई बात नहीं गाइस, अरे मैं मस्ती कर रहा था तुम्हारा। क्या मस्ती कर रहे थे? नाम सही है, मैं ऐसे ही तुम्हारा नाम ले रहा था, दूसरी मैं तुम्हारा रिएक्शन ले रहा था, पहली बात तो ये। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। गाइस लव यू, अल्लाह हाफिज़। मेरा बच्चा है तू। माय गॉड।